मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी बनाई है। कमेटी का सदस्य कौन कौन होगा, इसका नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। ये कदम सरकार के द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने के अगले ही दिन लिया गया है, जिसका एजेंडा गुप्त रखा गया है। बीते कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की वकालत मजबूती से की है। अब इस पर विचार करने के लिए रामनाथ कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय चुनावी दृष्टिकोण के मेजबान के रूप में सरकार की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके बाद अगले साल मई और जून में लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना उद्धव गुट के अनिल देसाई ने कहा है कि मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, मगर इस तरह की बातें फैलाना ठीक नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। सरकार को ये देखना चाहिए कि देश के लोग क्या चाहते हैं, उनके मत को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको बता दें कि सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक लोकसभा और राज्यसभा का एक विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें 5 बैठकें होंगी। कहा जा रहा है कि सरकार समान नागरिक संहिता और महिला आरक्षित बिल पेश कर सकती है, मगर ये सब कयासबाजी है। अभी तक इस पर पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। एक देश एक चुनाव की वकालत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कर चुके हैं। इस बिल के समर्थन के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही दिया जाता रहा है कि चुनाव में खर्च होने वाले करोड़ों रुपयों को बचाया जा सकेगा। जानकारी के लिए बता दें कि साल 1951-52 में लोकसभा चुनाव में तकरीबन 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि खर्च की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि इससे देश के संसाधन बचेंगे और विकास की गति धीमी नहीं पड़ेगी। एक देश एक चुनाव के समर्थन के पीछे ये तर्क भी दिया जाता है कि भारत जैसे विशाल देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। इन चुनावों के आयोजन में पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बिल लागू होने से चुनावों की बार बार तैयारी से छुटकारा मिल जाएगा। पूरे देश में चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी, जिससे सरकार के विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। एक देश एक चुनाव का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि देश में बार बार होने वाले चुनावों की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है, इससे सरकार समय पर कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाती है, फिर विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने में काफी दिक्कत आती है, इससे यकीनन विकास कार्य प्रभावित होते हैं। एक देश एक कानून के पक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि इससे कालेधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगने में मदद मिलेगी। चुनावों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर ब्लैक मनी के इस्तेमाल करने का भी आरोप लगता रहा है, लेकिन कहा जाता है कि ये बिल लागू होने से इस समस्या से भी बहुत हद तक छुटकारा मिल सकेगा। केंद्र सरकार भले ही एक देश एक कानून के पक्ष में हो, लेकिन इसके विरोध में भी कई मजबूत तर्क गढ़े जाते रहे हैं। कहा जाता है कि अगर ये बिल लागू होता है तो इससे केंद्र में बैठी पार्टी को एक तरफा लाभ हो सकता है। अगर देश की सत्ता में बैठी किसी भी पार्टी का सकारात्मक माहौल बना हुआ है तो इससे पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है, जो कि खतरनाक साबित होगा। इसके खिलाफ एक तर्क ये भी बताया जाता है कि इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच मतभेद और ज्यादा बढ़ सकता है। कहा जाता है कि एक देश एक चुनाव से राष्ट्रीय पार्टियों को बड़ा फायदा पहुंच सकता है, जबकि छोटे दलों को बहुत बड़े नुकसान होने की संभावना है। अगर एक देश एक चुनाव बिल के तहत पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं तो इससे पूरी पूरी संभावना होगी कि चुनावी नतीजों में देरी हो सकती है। चुनावी नतीजों में देरी से यकीनन देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब देखना होगा कि क्या सरकार इसी सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लेकर आती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।